आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूं माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। और इस वीडियो में गाइज मैं बताऊंगा कि माई 11 सर्कल में कूपन कोड कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पे कूपन कोड कैसे मिलेगा, कूपन कोड कैसे डालेंगे और कूपन कोड डालने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि माई 11 सर्कल में दो तरह के गाइज यहाँ पे कूपन कोड होते हैं। एक कूपन कोड होते हैं न्यू यूजर के लिए और एक कूपन कोड होते हैं ओल्ड यूजर के लिए। जैसे गाइज मैं अभी गाइज यहाँ पे ओल्ड यूजर हूँ क्योंकि मैं गाइज यहाँ पे माई 11 सर्कल को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओल्ड यूजर के लिए भी और न्यू यूजर दोनों के लिए गाइज मैं यहाँ पे कूपन कोड बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी यहाँ पे माई 11 सर्कल में कूपन कोड खोज रहे हैं, कूपन कोड लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को शुरू से देखें, क्योंकि जब तक वीडियो को शुरू से तक नहीं देखेंगे तब तक गाइज यहाँ पे कूपन कोड नहीं मिलेगा, तब तक गाइज यहाँ पे आप बोनस नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको बताता हूँ गाइज यहाँ पे न्यू यूजर वाला कूपन कोड। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे न्यू यूजर के लिए मेरे वीडियो के नीचे में आपको माई 11 सर्कल का लिंक देखने को मिले, जैसे उस लिंक पर टैप करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से माई 11 सर्कल का ऑप्शन दिखे। यहाँ पे नीचे में दिखेगा डाउनलोड नाउ का, सिंपल इस पर टैप करेंगे। डाउनलोड नाउ पर टैप करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे एनीवे दिखेगा, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपका एप्लीकेशन गाइज यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद गाइज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे गाइज यहाँ पे पहली बार गाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इंस्टॉल पे टैप करेंगे। और एप्लीकेशन गाइज यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पे फाइनली आपको गाइज यहाँ पे ओपन करने वाला गाइज यहाँ पे ऑप्शन जो गाइज यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे पहली बार एप्लीकेशन ओपन करेंगे गाइज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हैव ए इनवाइट कोड, सिंपल इस पर टैप करेंगे। और इस पर टैप करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे इनवाइट कोड, सिंपल गाइज यहाँ पे आप डालेंगे यहाँ पे इनवाइट कोड तो गाइज यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। सेम यही वाला गाइज यहाँ पे इनवाइट कोड डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद गाइज आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, जैसे यहाँ पे ओटीपी को डालकर वेरीफाई करेंगे उसके बाद गाइज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो आप लोग यहाँ पे कूपन कोड लेने के लिए सबसे ऊपर में आपको दिखेगा ऐड कैश का ऑप्शन, ऐड कैश के ऑप्शन पे जाएंगे तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले गाइज यहाँ पे ऐड कैश के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो फिर गाइज यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे गाइज यहाँ पे ऑफर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको ऑफर मिला और गाइज मेरा देखिए एकदम न्यू और एकदम फ्रेश गाइज यहाँ पे अकाउंट है, क्योंकि मेरे गाइज यहाँ पे वॉलेट में अभी एक रुपये भी नहीं है। सिंपल गाइज यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ऐड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अगर गाइज यहाँ पे आप 1000 रुपये गाइज यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो गाइज यहाँ पे एक गाइज यहाँ पे कूपन कोड है जो गाइज अप्लाई हो जाएगा, जो कि देखिए मेरा अप्लाई भी हो चुका है, जिसमें गाइज यहाँ पे 1500 रुपये का गाइज यहाँ पे बोनस मिला। यह वाला जो गाइज यहाँ पे कूपन कोड है यह सिर्फ गाइज यहाँ पे न्यू यूजर को मिलेगा, ओल्ड यूजर को नहीं मिलेगा। तो सिंपल गाइज यहाँ पे इस पे नेक्स्ट पेटर के पैसे को डिपॉजिट करेंगे तो गाइज आपको जो यहाँ पे 1500 रुपये का बोनस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे बात करते हैं गाइज यहाँ पे ओल्ड यूजर के लिए गाइज यहाँ पे कौन से कूपन कोड अवेलेबल है, तो उसके लिए गाइज यहाँ पे आपको दिखेगा गाइज यहाँ पे ऐड कैश, सिंपल इसमें जाएंगे ऐड कैश पे जाएंगे तो गाइज यहाँ पे जाने के बाद जैसे गाइज यहाँ पे आपके सामने गाइज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस लोडिंग लेके गाइज यहाँ पे आएगा। मेरा थोड़ा सा गाइज यहाँ पे इंटरनेट स्लो है, सिंपल जैसे गाइज मैं गाइज यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1000 रुपये गाइज मैं यहाँ पे डिपॉजिट करने वाला हूँ। सिंपल यहाँ पे है कूपन के ऑप्शन पे टैप करना है, कूपन के ऑप्शन टैप करेंगे। फिलहाल गाइज यहाँ पे मेरे पास गाइज यहाँ पे कोई भी कूपन कोड नहीं है, तो गाइज यहाँ पे आपके पास होगा तो गाइज आप यहाँ पे चेक करें कूपन कोड होगा तो कूपन कोड अप्लाई करेंगे। उसके सामने गाइज यहाँ पे सिंपल गाइज यहाँ पे कूपन कोड को गाइज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और गाइज यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गाइज यहाँ पे माई 11 सर्कल एप्लीकेशन में कूपन कोड को यूज कर पाएंगे। वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।